हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो गाइस, आज मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से साड़ी पे मेकअप लुक क्रिएट किया। अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं या नई नवेली दुल्हन भी नहीं है, कहीं जा रही हैं, आपको कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट करना है, इसमें मैंने कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं किया, ना ही कॉन्टोरिंग है, ना ही ब्लशर है, कुछ भी नहीं। सिर्फ लिपस्टिक, आई शैडो, लाइनर और मस्कारा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं यूज किया है। और ये लुक क्रिएट करके आप कहीं भी जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखोगे। आप देख ही सकते हो रिजल्ट, मैं उतनी अच्छी नहीं दिख रही आप, लेकिन आप हो सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि अगर आप खूबसूरत हो, इस तरीके का मेकअप करके जाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगोगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लगा आ रही हूँ NYB का सीरम, जो आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है और ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। तो इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, जो मेरा ऑल टाइम फिनिश फेवरेट है। इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन एज अ कंसीलर। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो कोई भी फाउंडेशन हो, अपने आई पर लगाइए और अच्छे से ब्लेंड करिए। तो मैं यहाँ ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको सेट करने के लिए ली हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट, इसी से मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। और इसके बाद मैं ले रही हूँ मोर्फी का पैलेट, उसमें से मैंने ये वाला सेट पिक किया है और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू लगाया था आई शेडो, बट वो वाली क्लिप मेरी इधर उधर हो गई, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और इसके बाद में आईलेट पे पूरे आपको नहीं लगाना है, थोड़ा सा मतलब नीचे रखना आईलेट के हाफ में। रेड शेड मैं पिक की हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था उसी से मैं लगा रही हूँ उसी को। और इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे लगाऊँगी, थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए। इससे आपकी आई का लुक जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इस तरीके से दोनों ही आई में लगा लेना है, ठीक है? और इसके बाद मैं लगा रही हूँ NYB का लाइनर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये 52 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा देर तक टिकता भी है। और इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ, जो मैंने अमेज़ोन से लिया था। ये 200 की है, 200 के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और इसके पीछे एक ब्रो कॉम है, जिसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपनी आईब्रो को सेट कर ले रही हूँ, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ लैक्मे का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरा फिनिश भी होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसके बाद मैंने लगाया मस्कारा, जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था 150 रुपीज़ की। आज मैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर, जो बहुत ही अच्छा बजट में है। अगर आप एलोवेरा जेल ले सकते हो तो ये भी ले सकते हो, क्योंकि 150 व 100 में आराम से आपको मिल जाता है। और इसके बाद मैं सेम वही फाउंडेशन लगा रही हूँ और एक पफी ब्रश से अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, या किसी और चीज़ से, या फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, जिससे आपको ईजी लगे। और जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, सेम ज़रूरी नहीं है कि वही लगाइए, लिप्स पर फाउंडेशन ज़रूर लगाइए, ताकि आप जब भी लिपस्टिक लगाएं, आपका कलर जो है लिपस्टिक का बहुत ही अच्छे से उभर कर आए। और इसके बाद मैं नेक पे लगा रही हूँ, ईयर में, यानी कि गला, कान, हर जगह लगा लेती हूँ। और फिर वही सेम लैक्मे का कॉम्पैक्ट लूँगी और अच्छे से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट कर लूँगी, ताकि हमारा जो मेकअप हो वो कीकी ना दिखे। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ सीज ब्यूटी का हाइलाइटर। अगर आप हाइलाइटर नहीं लगाना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ फैन ब्रश की हेल्प से। पहले मैंने फिंगर से लगाया था, बट सिर्फ चिक पर मैं फैन ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, ठीक है? और इसके बाद मैं लगा रही हूँ लिप लाइनर, जो मैंने 10 रुपीज़ का लोकल मार्केट से लिया था। आज लिपस्टिक भी मैं इसे लगाऊंगी, आपको मैं लगा के दिखा दूंगी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा सा आपको लगाना है, हल्का हल्का सा, इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास लिपस्टिक नहीं है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, ये देखिए। और इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी हुडा ब्यूटी की, आप चाहो तो इस तरीके से भी रख सकते हो। ये रेड सेट की बहुत ही प्यारा सेड है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने इसे कॉम्बो में लिया था। तो मैंने यहाँ पे बिंदी लगा ली और यहाँ पे सिंपल तरीके से बिना एयरिंग के आप इस तरीके से भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। और दो तरीके से मैं लुक आपको दिखा दे रही हूँ, एयरिंग और नेकलेस पहन के भी। पहले तो ये वाला लुक देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एयरिंग वगैरह पहन के, ठीक है? आप ज्वेलरी पहन के भी इस तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा इसके साथ मेरा टीका भी है, ये देखिए। तो आप दो तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको, देखिए, इस तरीके से भी आप लुक क्रिएट कर सकते हो, ज्वेलरी पहन के, बिना ज्वेलरी के भी। दोनों तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हो। दोनों तरीके का लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।